आईआईटी गुवाहाटी से ग्रेजुएट अक्षत जैन ने यूपीएससी की परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया है। आइए बात करते हैं, अक्षत जैन हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो शुभकामनाएं आरएसटीवी की तरफ से। थैंक यू सो मच। अक्षत, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या आपको प्रेरणा मिली आईएएस बनने के लिए, क्या प्रेरणा थी, क्या लोगों से, बाकी लोगों से क्या सलाह मशवरा मिला इस इतनी बड़ी परीक्षा को क्लियर करने के लिए? देखिए, मेरे दोनों माता पिता जो हैं सिविल सर्वेंट्स हैं, तो उन्होंने मुझे हमेशा ये कहा है कि जो इस प्रोफेशन में जो आपके पास कैपेसिटी है टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी और अपनी पोजीशन का यूज़ करके जो है दूसरों का भला करना, दूसरों को देना, वो जो है एक ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। और उसके अलावा जो इसके साथ इज्जत है और जो रिस्पेक्ट और जो आपको प्रेस्टीज मिलता है इस प्रोफेशन के साथ, वो भी काफ़ी पुलिंग फैक्टर्स थे मेरे लिए। अच्छा, ये बताइए कितनी मेहनत करनी पड़ी और कितने अटेम्प्ट आपने किए, क्योंकि आईआईटी से फिर यूपीएससी की तरफ रुझान, ये हालांकि पिछले दिनों देखा गया है, लेकिन आईआईटी के बाद अभी बेहतर नौकरी के विकल्प मौजूद होते हैं, तो ऐसे में यूपीएससी की तरफ रुझान क्यों हुआ और कितने अटेम्प्ट, कितना मुश्किल था? देखिए, मेरा जो है ये इंक्लिनेशन जो है थर्ड ईयर के अराउंड हुआ था, और मैंने जो है प्राइवेट सेक्टर में अपनी इंटर्नशिप की थी। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो है मुझे पैसे के अलावा भी और चीज़ें हैं जो मेरी ज़िंदगी में प्रायोरिटी रखती हैं। और जैसा मैंने आपको कहा, जो मेरा मोटिवेशन आया वो इसी वजह से आया कि कुछ ऐसा करें जिससे हम जो है सोसाइटी को वापस कुछ दे सकें, और साथ साथ एक जो रिस्पेक्ट है वो मुझे लगता है कि और किसी प्रोफेशन में इस लेवल की नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे ये भी पता था कि इसको करके जो है मेरे मम्मी पापा दोनों बहुत ही फ़ख्र महसूस करेंगे मुझ पर, तो ये बिल्कुल फैक्टर्स रहे। दूसरी रैंक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ऐसे में तैयारी किस तरीके से की, कोई खास पैटर्न था या किस तरीके से आप लोगों ने मेहनत की है, परिवार ने कितना सहयोग दिया और कोचिंग वगैरह से कितना लाभ हुआ? देखिए, मेहनत तो ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा लगती है, ये एग्ज़ाम बहुत स्ट्रेनिंग है। मैंने जो है जनरल स्टडीज़ की कोई कोचिंग नहीं ली, मैंने अपने ऑप्शनल की ज़रूर ली थी, मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है। सो मेरा फोकस जो ये रहता था कि स्टार्टिंग से ही मैंने जो है स्ट्रैटेजी बना ली थी कि मुझे सिलेबस अपना अच्छे से कंप्लीट करना है, प्रीलिम्स से पहले कंप्लीट करना है, और उसको लेकर जो है मैं अपने नोट्स बनाए मैंने, और आंसर राइटिंग पर मेरा बहुत ज़्यादा फोकस रहता था, टेस्ट लिखते रहना, आंसर लिखते रहना, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपनी जो लिमिटेड नॉलेज है उससे आप कितने अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हैं एग्जामिनर के सामने, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है जी। अच्छा, एक और बात मैं आपसे समझना चाहता था कि आईआईटी या फिर आईआईएम या फिर मेडिकल से होने का कोई लाभ मिलता है क्या? कुछ आप उस तरीके का एक्सप्लोर कर चुके होते हैं जो कि गांव देहात से आने वाले बच्चे या फिर बाकी बच्चे, क्योंकि आप कोचिंग में काफ़ी बच्चों के साथ रहे होंगे, तो वो नहीं कर पाते, तो आप लोग क्या उतना कुछ एक्सप्लोर कर चुके होते हैं या वहाँ से कोई मदद मिलती है? देखिए, आईआईटी और इसका स्टेटस का एज सच इतना मायने नहीं रहता, क्योंकि सब्जेक्ट्स अल्टीमेटली आप देखें तो सोशल साइंस रिलेटेड हैं। बट ये ज़रूर है कि इतना रहता है कि आईआईटीयंस हम सब जो हैं हार्ड वर्क पुट इन कर सकते हैं, हमें नंबर ऑफ आवर्स पुट इन करने की जैसे आदत होती है, जेई के टाइम पर भी किया था। हाँ, ये ज़रूर है कॉलेज के टाइम पर वो आदत छूट जाती है, बट धीरे धीरे वो वापस आ भी जाती है। बट मुझे ऐसा नहीं लगता कोई सब्सटैंशियल एज है, और मेरे हिसाब से जो भी अगर कोई नॉन आईआईटीयन है, नॉन आईआईएम्स है, सबके लिए बराबर है। यूपीएससी ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आई थिंक इकलौता एग्ज़ाम है जिसमें ये मैटर नहीं करता आपका पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा था। एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या सोच रखा है, कुछ आपने सोचा होगा जब सिविल सर्विसेज की परीक्षा ये पास करने के बाद आप क्या करेंगे समाज के लिए, क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, क्या कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां बेहतर करने के लिए मौके हैं, वो करना चाहेंगे? देखिए, मेरा भी ऐसा है कि जो भी जिस भी दिशा में मुझे सरकार चाहे उसमें अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करूं, और अपना मतलब जितना पॉसिबल हो सके उतनी लाइव्स इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करूं। बट अगर आप कोई एक स्पेसिफिक ऐसा क्षेत्र पूछ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से एजुकेशन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसको लेके जो है हम जितनी भी तकलीफें हैं हमारी सोसाइटी में उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर आप मेरे से एक पर्टिकुलर इंक्लिनेशन पूछे, तो मैं एजुकेशन सेक्टर में अपना मार्क छोड़ना चाहूंगा अगर ऐसा अवसर मुझे मिलता है तो। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, जो हमारे जो दर्शक हैं और यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके से तैयारी की जा सकती है, बेहतर तैयारी और बेहतर परिणाम जिसके देखने को मिले, क्या कुछ विशेष ध्यान रखने की जरूरत है?
देखिए सभी कैंडिडेट्स को मैं यही कहूंगा कि जब भी आप प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं तो सबसे पहले सिलेबस को देखिए। सिलेबस यूपीएससी का बहुत अच्छे से डिफाइंड है, उसको एक एक वर्ड को अच्छे से देखिए और अपना स्ट्रैटेजी बनाइए कि कैसे आप उसे टाइमली कवर करेंगे, अपना ऑप्शनल हो चाहे वो जनरल स्टडीज हो, और फोकस आपका रहना चाहिए मेंस की तैयारी को। काफी लोग क्या करते हैं सर कि प्रीलिम्स पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि जो है मेंस उनका वो निकल जाएगा, प्रीलिम्स एक बार क्लियर कर लिया फिर मेंस की तैयारी चालू करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये काफी गलत अप्रोच है। आपकी तैयारी जो है इंटीग्रेटेड रहनी चाहिए और टेस्ट पे बहुत फोकस रहना चाहिए, क्योंकि आंसर लिखते रहने चाहिए, प्रैक्टिस जरूर बहुत बहुत ज्यादा मायने रखती है इसमें। एक सवाल छूट गया अक्षत, जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि खाली समय आपको मिलता होगा, हालांकि तैयारी के टाइम थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो शौक आपके क्या हैं, कैसे क्या हॉबीज हैं, और क्या आप चाहते जो खाली वक्त मिलता है उसमें क्या करते हैं? मेरा फुटबॉल बहुत बड़ा पैशन है, तो मैं जो है अक्सर फुटबॉल मैचेस देखता रहता हूँ, भले ही कितना भी पढ़ाई का लोड हो, तो उससे काफ़ी रिफ्रेश और रिलैक्स फील करता हूँ। उसके अलावा एज सच मुझे जो है दोस्तों से अपने गपशप करना, ऐसे हंसी मजाक करना, ये सब काफ़ी पसंद है। तो अगर पढ़ाई काफ़ी हो रही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, तो एक दिन अभी दोस्तों के साथ बाहर जाके ऐसे ही घूम घाम लिए, तो ये सब थोड़ा आप कह सकते हैं कि इन सब की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, क्योंकि वरना बर्न आउट हो जाता है स्टूडेंट। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अक्षत जैन, जिन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया है। कैमरामैन अमित राज के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, जयपुर।